जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल मुनासिब जगह नहीं। मेरे स्टूडेंट देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो आपको किसने कहा कि हम यहाँ रुकने वाले? हम तो जाएंगे बहुत दूर, बहुत दूर। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सास ने कहा कि उन्हें तो किसी जहेज की जरूरत ही नहीं, अली के साथ ही तो रहना है तुम्हें, ये कहा था ना? जी भाभी, उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। लेकिन अफजल भाईजान भी ना, उन्होंने कहा मैं अपनी बहन को खाली हाथ भेजूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें इस काबिल समझा। जहाँ बात इतनी होगी और बढ़ जाती, हमें कौन सी खबर होनी थी। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त का भाई है। वैसे तुम वैसे हम अलग आज क्या बनाऊं जी? वो गोश्त बना लूं? कोई नहीं, मेरा गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम एक सब्जी बना लो। सब्जियां तो नहीं है। अफजल सब्जी नहीं लाए क्या? वो तो जी आज बहुत ही जल्दी में थे, वो तो गोश्त वाला भी जल्दी से पकड़ा के चला गया। मगर बहन मुझे तो सब्जी खानी है ना। एक काम करो तुम, तो मसाला बनाओ, मैं सब्जी ले आती हूँ जाकर। आप क्यों, मैं सब्जी लेने नहीं जा सकती क्या? असद, असद आओ मार्केट चले, बोतल रख देना। भाई वो मिर्चे जो है ना, वो छोटी वाली ना देना, थोड़ी मोटी डाल के देना। अच्छा। क्या है? पहली बार क्या किसी लड़की को सब्जी लेते हुए देख रहे हो? हाँ, और पलके क्यों नहीं झपका रहे हो? जो आंखें हैं ना, निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं। मैं कहाँ देख रहा हूँ? मैं कहाँ देख रहा हूँ, जल्दी करें ना आप। मैं आपको देख रही हूँ। अरे भैया आप दे भाई। अच्छा भाई, और एक किलो पालक भी दे दें। बस भाई। मामा, हाँ झूलना है? चलो आज मजा आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा? अरे मैं तो सब्जी लेने के लिए आई थी। तो मैं मर गया हूँ? चलो घर चलो। आओ बेटा, रोके भाई, रोको से, चलो बेटा, शाबाश, चलो बैठो। तरीका है हफ्ते भर का गोश्त सब्जी ला कर देता हूँ, अगर ना ला सकूं तो अकमल और असर की जिम्मेदारी। फिर तुम घर से बाहर क्यों निकली? हाँ तो सब्जी खाने का दिल चाह रहा था ना मेरा। जे कॉल कर लेती मैं मर तो नहीं गया था ना। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं चली गई? खरीदारी के लिए गई थी ना, कौन सा दुकानदार से आ रहा ना जोड़ने गई थी। क्वास बंद करो तुम, तो शर्म नहीं है? जो मुंह में आता तुम बोल देती हो। ऐसा करे मेरे मुंह पे टेप चिपका दे। सिर्फ मुंह पे क्यों, हाथ पाओ ना बांध दूंगा। लापरवाही से घूमते देखा होगा? किसी ने नहीं देखा, यहाँ पे कोई हमें जानता ही नहीं है। देखने की बात नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा इस तरह मुंह उठा के बाहर निकल जाना पसंद नहीं है। और मुंह घर पे रख के बाहर जाने का तरीका मुझे मालूम नहीं। फत तो क्या करूँ, घर पे बोर हो जाती हूँ मैं। तुम मुझे कॉल कर लेती, बाहर चलते हम कहीं। बाहर लो, जो बंदा सीधे वो बात नहीं करता मुझे सैर पे लेके जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये भी तुम्हारी वजह से। बस बहुत सुन लिया आपके हवाले से, घर पे मेरा दिल ही नहीं लगता,
मुझे केबल लगवा दें और एक स्मार्टफोन भी दिलवा दें। उल्फत पहले बच्चे को नाश्ता करा दो। हाँ खिलाई तो रही हूँ। सलाम अलैकुम भाईजान। भाभी एक हाफ फ्राई मुझे भी बना दीजिए। लो तुम भी घर पे ही थे, मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चाय पी लूंगा बस काफी है। उल्फत अज़र को नाश्ता बना दो प्लीज। दिखाई नहीं दे रहा, मैं भी तो नाश्ता ही कर रही हूँ, खा लूंगी तो बना दूंगी। नहीं अरे खाओ शाबाश। चाय पीने का मन मुझे पता है, तुम बहुत मसरूफ रहते हो और तुम्हें बुलाए बगैर गुजारा नहीं था और फोन पे बात हो नहीं सकती थी। अब आप मुझसे बात करते हुए तकल्लुफ का सहारा लेंगे? हुक्म करें। हुक्म कैसा? मैंने बताया था ना कि फरहत के लिए रिश्ता आया है, घर की औरतें तो उसे पसंद करके चली गई हैं। मैं चाहती हूँ कि जब घर के मर्द आए तो तुम दोनों मौजूद रहो। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? और रिश्ते की छानबीन भी तो तुम ही लोगों ने करनी है ना। तसल्ली रखे, अच्छी तरह छानबीन करके ही हाँ करेंगे। मैं चाहती हूँ जब तक बात सिरे तक ना पहुंच जाए उल्फत से कोई बात मत करना। मेरा मतलब है कि अज़र तुम कुछ नहीं बोल रहे? मैं नहीं, वो मैं ही सोच रहा था कि चाय अभी तक नहीं आई। ओह अच्छा, तमकिनार। नहीं नहीं आप, मैं जाके देखता हूँ ना, कुछ चाहिए ना उधर, मैं देखता हूँ। सलमा बाजी ने तो कसम उठा रखी है, कहती है कुछ भी हो जाए जिंदगी में अब कभी उल्फत भाभी के घर कदम तक नहीं रखेगी। सहमी हुई है बेचारी, गया था मैं उसे मिलने के लिए। चची जान भी कौसर उनके शोहर की घर पे तावा रखना चाह रही है, लेकिन उल्फत बाजी की वजह से पता नहीं कब क्या कह दे। उस दिन के बाद से अकमल अफजल भाई से बात नहीं कर रहा है। तमकिन तमकिन खानदान को छोड़ के रखेंगे ना हम इंशाल्लाह। नाराजगी कैसे दूर हो? जब तक वजह मौजूद है तब तक ये नाराजगी खत्म नहीं होगी। कोई तो हल होगा। अब क्या हो सकता, अब तो दो बच्चे भी हो गए। कैसी बातें कर रही हैं सलमा बाजी? भाईजान आप चाय तो पिए, हालत देखें, आपकी आंखों के नीचे हल्के कितने हो गए। ऐसा लग रहा है काफी रातों से नहीं सोया। कारोबार कैसा चल रहा है? 6 महीने होने को आ गए। अकमल बता रहा था कि रात रात गए तक बैठे रहते। आप दुआ कीजिए, वक्त ही मुश्किल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई की याद नहीं आती? मुझे तो बहुत याद आती। जब थक जाता हूं तो दिल चाहता है कहीं से आवाज आए।
भाई अच्छा हिला दूं। बहुत याद आती है भाई, मगर किस मुंह से कहूं कि आपके घर जाने। मगर मैं आऊंगी जरूर। जाए पी उल्फत। चाय बना दो मुझे। चाय? कौन सा वक्त है चाय पीने का? लेकिन नींद खराब कर दी मेरी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो सो जाए ना, चाय पीने से क्या होगा। बना दो यार, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या हुआ? चाय बनाने जा रही हूँ। जिस तरह आप घूर रहे हैं, किसे नींद आ सकती है। ये रहा आपका चाय का कप और वो रही खिड़की। आसमान पर चांद भी है, चाय का घूट पीते जाएं और आसमान को देखते जाएं। ना काम शायर लगेंगे। चांद तो मेरे सामने भी है। कितने दिन हो गए हमने बातें नहीं की। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको बीवी की जगह फाइलें अच्छी लगने लगी। चल बंद कर दिया सब कुछ। क्या हुआ? अभी चलते हैं, बस तुम्हारी मम्मा के पास जाना है, ठीक है? बाजी 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 क्या मुसीबत है बाजी? चुपी नहीं होती। हाँ तो तुम चुप कराओ ना, किस मर्ज की दवा हो तुम? बाजी मैं ही चुप कराती हूँ, लेकिन बच्चों को कभी कभी माँ की गोद चाहिए होती है, हमें माँ की खुशबू चाहिए होती है। चुप करो, ज्यादा फलसफे ना झाड़ो, दर्द हो इससे। अब जाओ, खड़े मुंह क्या देख रही हो मेरा? वो जी अफसर साहब ने कहा था कि घर के सारे काम मैं करूँ, मगर सालन आप बनाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा प्याज तो काटो। अल्लाह, चुप हो जाओ, क्या हो गया है? सिवा दे ये लड़की, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। अब आवाज भी निकलनी चाहिए। पहले मेरा ऑपरेशन करवा दिया, काम करके क्या करनी चाहिए? क्या तेरी कर माओ तुम इसकी? बस मेरा बच्चा, बस 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 बस, तुम जैसी बच्ची हो तुम, सोच की बात, बस 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 ले। हाँ तो इंसान भी हूँ ना, कब से खामोश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बस लेकर टहलते रहो। कमर टूट गई है मेरी, कितनी वजनी है ये। माशाल्लाह कहते हैं। हाँ तो आप कहते रहें। Thank you.
वजह तो पता चले। बस खाओ और खाओ बल्कि मैं कहता हूँ। अरे ये लो। हुआ क्या और ये सब क्या है? मीनू की मेहनत जिनो रंग लेकर आई, समझो मुश्किल के वक्त कट गए, अब सिर्फ फल खाने का वक्त है, ये तुम्हारे लिए। अच्छा और उसमें क्या है, वो भी तो दिखाएं। ये देखो, ये तो सारे बच्चों के कपड़े हैं। या वो मैं बेबी शॉप में घुस गया था, वहां पे दिल चाह के अफजा के लिए सब कुछ ले लूं, तो बस मैं वो मेरे लिए बस एक सूट। अच्छा मूड ऑफ ना करो ना, हमेशा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तो ये भी ना लाते यार। बट अच्छा चलो मीठा खाओ, शाबाश। मुंह खाने में उल्फत, उल्फत ओ मेरे खुदा, उल्फत, उल्फत। क्या हुआ? बच्चा। या अल्लाह। ये क्या हुआ? ये किस्म क्या हुआ? कैसे हुआ? या मेरे खुदा, कैसे हुआ? या परमात्मा। अरे मैं तो उसे सुला कर आई थी, मुझे क्या पता? सुला कर आई थी, चार सुला आई थी। अब तो बच्चे को घेर जाते हैं। आप तो ऐसे बोले जैसे मैंने इसे जानबूझ के कराया। शट अप। जानबूझ के कराएगी बच्ची। अल्लाह। हाँ तुम्हारे अफजल भाई जान, मारा है मुझे, मुझ पर हाथ उठाया है और ये सब मेरे बाप का किया था। मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ भाभी, वो आपके बगैर तड़प रहे हैं। हाँ हाँ मैं तसव्वुर कर रही हूँ, बच्चों को तड़प कर देख कर तुम्हारा भाई भी कितना तड़प रहा होगा ना। वाह। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ, प्लीज घर वापस आ जाए। वैसे हम अलग हैं। पापा। सर यहाँ क्यों बैठे हो बेटा, क्या हुआ? पापा भूत। भूत? पापा अंधेरा, भूत खाते हो मुझे। नहीं नहीं बेटा कोई अंधेरा नहीं है, ये देखो ये अंधेरा चला गया। आप मम्मा को बैठ दो ना, आप यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? मम्मा चले गए मुझे लेकिन। क्या मामा चली? पापा खून। नहीं बेटा खून नहीं है, ये रंग है। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है बेटा? चलो मेरा बेटा। पापा। मैं अभी आता हूँ बेटा, अभी आता हूँ। पापा 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 दरवाजा खोलो। बेटा मैं दो मिनट में आ रहा हूँ बस। पापा बाहर डॉगी आया है। बेटा डॉगी अंदर नहीं आ सकता। आ सकता है। आप अफजा के साथ बैठो, मैं एक मिनट में आया बस बेटा। नहीं मम्मा, मम्मा पता है फरक, मैं दिल में ही डरता कि वो लड़का तुमसे फ्लर्ट ना कर रहा हो, लेकिन उसने अपनी अम्मी को यहाँ भेज के मेरे शक सारे हवा में उड़ा दिए। सच कहूँ तो मुझे भी यही ख्याल आता था। तो फिर तो हम दोनों को लाहौल पर लेना चाहिए।
अम्मी अम्मी फट मर गई। पानी पानी चाहिए, पानी 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 ला जल्दी। क्या हुआ बेटा? फट फट जल्दी लाओ पानी। बच्चे कहाँ हैं? मर गए, सब मर गए। अरे कहाँ से आ रही हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? किसी झूठ डाकू ने तुम्हें तो मैं लूट लिया। और बच्चे कहाँ हैं? जाओ जा, अब सब को फोन करो जाके, जल्दी कर। अरे बोलते क्यों नहीं हो? देखा कोई लूट डाके इसको छोड़ के हजार ऐसे मर्दों मना किया कि शाम को घर से अकेली मत निकला कर, लेकिन ये सुनती कहाँ है? अफजल से बड़ा क्या साइकोरियर पूरे दुनिया में, उसने मुझ पर हाथ उठाया, मारा मुझे। अफजल भाईजान? हाँ तुम्हारे अफजल भाईजान, मारा है मुझे, मुझ पर हाथ उठाया है, और ये सब मेरे बाप का किया धरा है। साहब जी ये तो चुप ही नहीं हो रही, भूख भी लग रही है मगर फीडर मुंह में ही नहीं लेती। मुझे तो हाँ साहब जी, बच्ची को चोट भी तो इतनी गहरी लगी है। आओ असद मेरे पास आओ, आओ चले हम लोग ना नीचे चलो। ये अफजा को क्या हुआ है? सब बेटा थोड़ा दूर होकर बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं फीडर, क्या कर रहा हूँ बेटा? इतनी छोटी सी बच्ची को चोट कैसे लग गई? तुम घर से आया? वो शादी में जाना था, कपड़े बदलने आया। ठीक है तुम कपड़े बदलो और जाओ। भाभी कहाँ पर है? पता नहीं साहब जी, जब मैं घर में आई तो बीबी जी घर में नहीं थे। वो ऐसे ही है, उसे सिर्फ अपने ऊपर छोरे का लेबल लगा रखा है, और आप लोग मुझे अब भी झूठ ला रहे होंगे। इतना सब कुछ देखने के बावजूद देखे, मेरे चेहरे पे अभी उसकी उंगलियों के निशान है। मारा है उसने मुझे, लातों से घूसों से, मेरे बाल नोचे, मुझे धक्के दिए उसने। फिर बेटी इसकी वजह क्या है? अरे वजह गई भाड़ में, मुझे मारा है मुझे। और तुम क्या हमदर्द बन के खड़ी हुई हो मेरी? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए कोई मरम पट्टी, दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। नहीं फिलबाजी, कैसी बातें कर रही, ऐसा मत सोचे, आप मेरी बहनों जैसी हैं। अरे उल्लू किसी और को बनाना। बेटा पट्टी करवा लो, जख्म बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा नहीं, बिगड़ चुका है, जिसके कीड़े अफजल अपनी पलकों से चुनेगा। ऐसा ना कहो, घर में ऊंच नीच हो जाती है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त उस अफजल का सर फूटा हुआ होना चाहिए था ना। आप बस मुझे ये बता, आप उससे बासपुरुष करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा उससे बासपुरुष? तुम्हें जिस हाल में देख रहा हूं, आरे चल रहे मेरे दिल पर, मगर बेटी अगर कसूर तुम्हारा निकला तो? आप अभी मुझे कसूरवार ठहरा रहे? अरे बाप तो बेटियों की झूठी शिकायतों पर मरने मारने पर तुल जाते हैं, कैसे बाप हैं आप? आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? बेटा तुम्हारे अब्बू का ये मतलब नहीं है। मत भलाए मुझे, मैं सब जानती हूँ क्या मतलब है। इनमें इतनी तपड़ नहीं कि जाके उस वैशी से सवाल करें, मगर मैं बता रही हूँ मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी, लिख लें आप। सदर अफजा पता नहीं किस हाल में होंगे, अफजल भाई ने भी अभी तक कॉल नहीं की, वरना वो कॉल कर देते। ये हुआ सब कुछ। साहब जी, साहब जी अफजा को बहुत तेज झटके लग रहे हैं। झटके? जी उसे बहुत तेज बुखार आया, किसी बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हाँ चलो, आप अकेले कैसे चलेंगे? मैं चलता हूँ ना साथ। मौली साहब जो बात आपने मुझे बताई है, मुझे ऐसा लगता नहीं।
खुद बहुत गिरने से इतनी गहरी चोट लगती नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है, इनको किसी ने जानबूझकर धक्का दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। ऐसी बात क्यों नहीं है? मौलवी होते हुए झूठ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? शौहर ने मारा है मुझे, धक्का दिया और जख्मी हालत में छोड़ के घर से भाग गया। अरे ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। है ना, क्या पते की बात बताई आपने। क्या हुआ अफजा को, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस वहां से बुखार हो गया था। बुखार से पहले क्या हुआ था? वहां अकमल असद को संभालने में बेहाल हुआ है और आप यहाँ बावलों की तरह क्या फिर रहे थे? मुझे फोन करके नहीं बुला सकते थे? आपने आने की जहमत क्यों की है? अच्छा, तो अब आप मुझसे गैरियत बरतेंगे? हफ्जा कहाँ है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, बेबी की हालत सीरियस है, उसे रात भर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आप माँ हैं बेबी? अब जी नहीं, मैं फूफा हूँ उसकी। जी ठीक, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अफजल तो बहुत सुलझा हुआ और नफीस आदमी है अफजल। हाँ, ये थप्पड़ मारने और धक्के देने वाला काम ये मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा क्या हो गया? कुछ भी हो, मगर ऐसे भी कोई करता है भला? उल्फत सो गई है? पता नहीं, मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। मैंने तो आज तक अपनी बच्ची को फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ। क्या मतलब नहीं आएगी? आप लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएगी? मैं नहीं लाऊंगा उसे। क्या बात कर रहे हैं अफजल, बच्ची को माँ की जरूरत है, अभी तो वो दवाओं के असर में है। इसमें कौन सा गोद में भर लेना था? क्या हो गया अफजल? बच्ची को माँ की जरूरत है, पहले तो आप ऐसा कभी नहीं करते थे। आप ही तो हमेशा कहा करती थी लेने चला जाता हूँ, अब नहीं जा रहा तो आप सवाल कर रही हैं। अरे कुछ पता होगा तो बताऊंगी ना, मुझे तो अकमल ने फोन किया और मैं रक्षा पकड़ के यहाँ पे भागी चली आई। और अफजल, अफजल तो मुंह सीके बैठे, बोले भी तो क्या, अब नहीं लाऊंगा। बंदा पूछे, ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई? अफजल को चोट कैसे लगी मैं तमकिनत से पूछूं? हाँ, उसे फोन मिलाओ, उसे जरूर पता होगा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? थोड़ी देर हुई है, अकमल ने फोन किया था, असद संभल नहीं रहा था। पूरे शहर में ज़्यादा फिर रहा है कि अब इनकी बीवी घर पर। अब बहने पूरा शहर हो गई।
और अकमल को तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी सास क्या सोच रही होंगी? भाजी, भाभी ने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। बच्चों को तो वो हमेशा साथ लेकर जाती हैं। कौसर, उल्फत के दिमाग में कब क्या समाज है किसी को पता चलता है? भाईजान ने झगड़े की वजह बताई? अफजल को तो आदत है अपनी बीवी के ऐबों पे पर्दा डालने की। वो कब कहाँ कुछ बोलते हैं? असद बता रहा था कि भाईजान ने भाभी को थप्पड़ मारा है। थप्पड़? और अफजल ने? वो भी उल्फत को? अरे असद को क्या पता कौसर, वो तो एक मासूम सा बच्चा है। नहीं ना बाजी। देखो कौसर, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा ना, तो यकीनन अफजल के ना सबर का पैमाना लबरेज हो गया होगा। लेकिन अब भाभी को घर वापस कैसे लाएंगे? अकमल भाई कितनी मुश्किल से बहला फुसला के असद को पार्क लेके गए। क्या हुआ इसे? उल्टी हो गई। लाए दे, मुझे दिखा। अफजल, जाके उल्फत को ले आइए, बच्चों को माँ की जरूरत है। मेरे बच्चे हैं, मैं संभाल लूं। उसके भी हैं। माँ गई। बस चुप, खामोश। अफजल, अगर डांटने से मसला हल होता ना, तो फिर अफजा को भी डांट के चुप करवा दीजिए। अगर दिल नहीं चाह रहा तो स्कूल मत जाओ बेटा। चाची जान, जाना जरूरी है, आज स्कूल में पीएमटी है ना। उल्फत रात से सो रही है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसे देखने की। मैं जब उठी तो उन पे नजर पड़ी, काफी गहरी नींद में थी। ऐसा कभी नहीं हुआ, उल्फत कदम बाद में रखती थी और अफजल उसको लेने के लिए पहले पहुंच जाता था। अरे तुम अजहर से फोन करके पूछो ना, आखिर बात क्या हुई है। मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आप घर जा रही हो उल्फत बाजी? घर? थाने जा रही हूँ। याद नहीं रात को डॉक्टर ने कहा था ये सीधा सीधा पुलिस केस है। थाने? क्यों? अफजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रही हूँ। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था डॉक्टर ने? डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, आप ये नहीं कर सकती। क्या हो गया आपको? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। आप? तुम रोकोगी? शक्ल देखी अपनी, बढ़िया है मुझे रोकने वाली। जा रही हूँ मैं। रुक जा सताजी। अरे हटो, मैंने कहा हटो। हेलो, क्या हो गया? कहाँ जा रही है? मैं बताना जरूरी नहीं समझती? अफजल भाई की कंप्लेन लिखवाने जा रही पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रहेगी तू? हाँ, जैसे कि आप राजी हो अफजल के हाथों मेरा जनाजा उठाने पे। अच्छा बकवास ना करो, चलो अंदर चलो। तुम्हारे अब्बू सही कह रहे हैं। कोई सही नहीं कहता, मैं सही हूँ। आप लोग वालदेन है, मेरे काम आप लोग का था। आप नहीं करेंगे तो मैं खुद करूंगी। क्या बोलूं, बात कर रही है तू? अब मैं अपनी दामाद की रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा थाने वहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाजी, आप प्लीज अंदर चलो। अरे जाती अंदर मेरी जूती, एक एक निशाने दराज कराऊंगी मैं। हटो, क्या कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए उल्फत, अपने बाप के हाल पे रहम खाओ। मैं नहीं आने वाली इन ड्रामों में, जब सच को दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। कैसी है आप? अपने बाप के बारे में ऐसे कहते हुए दिल नहीं कांपता आपका? दिल तब बंद नहीं हुआ जब मैं खून से भरा चेहरा लेकर आई थी। आप क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसने घर में कदम रखते तुम्हें मारना शुरू कर दिया हो। ऐसा ही हुआ है। मियाँ बीवी के झगड़े में बच्चे पिस जाते हैं। कोई नहीं बीवी पिसती है, दिए देखे देखे थाने तो मैं जाकर ही रहूंगी। के पास ले चला।
अरे जब सचमुच मनाने का वक्त आया तो आप अकड़ के खड़े हो गए, वरना पहले तो भागे भागे जाया करते थे उसे मनाने के लिए। तो अब नहीं जा रहा मैं, बात खत्म। यही कहती थी ना आप? हाँ मैं यही कहती थी और अब भी यही कह रही हूँ। हफ्जा के लिए उसके पाँव में जाके गिर जाए और असद के लिए तो नाक रगड़ लीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है आप दोनों अपनी जिद के महाज पे खड़े होकर गोलाबारी करना चाह रहे हैं, और नुकसान किसका होगा? मासूम बच्चों का। एक ही दिन में कुमला के रह गई है वो मासूम सी बच्ची। जिस्मानी तकलीफ तो उसकी दिखाई दे रही, काश वो अपनी जहनी अजियत भी बता पाती। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं उल्फत से खुद बात करती हूँ। अफजल माँ माँ होती है। अपने फोन से कर ले। तुम बात करना, मेरी आवाज सुन के तो वो वैसे ही भड़क जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, उर्फत भाभी से बात हो सकती है प्लीज? हाँ तो मैं क्या करूं, बच्चे बीमार है तो मैं डॉक्टर हूं क्या? आप माँ हैं उनकी भाभी? हाँ अब याद आ गया कि मैं माँ हूँ। वो करवा रहा है ना फोन तुमसे, खुद कहाँ छुप कर बैठ गया है? बच्चों की हालत बहुत खराब है भाभी, आप प्लीज घर वापस आ जाएं। बोलती रहो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं क्या बोलूँ भाभी, सब कुछ तो कह दिया है मैंने, बच्चे किसी से संभलने में नहीं आ रहे, भाई जान भी ऑफिस छोड़ के घर बैठ गए। अल्लाह, ये ख्याल तो पहले मेरे जहन में आया ही नहीं। मैं ही पागल, हर बार बच्चों को दुमछल्ला बनाकर यहाँ चली आती थी कि अफजल को उनकी जुदाई का मजा चखाऊंगी। अब ख्याल आया है कि बच्चे तो अफजल पर छोड़कर उन्हें असल मजा चखाया जा सकता था। मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ भाभी, वो आपके बगैर तड़प रहे हैं। हाँ हाँ मैं तसव्वुर कर रही हूँ, बच्चों को तड़प कर देख कर तुम्हारा भाई भी कितना तड़प रहा होगा ना। वाह, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ, प्लीज घर वापस आ जाए। तुम्हारे अगले पिछले भी करेंगे ना, तब भी मैं नहीं आने वाली। किस किस्म की माँ है ये औरत? अब क्या होगा कौसर, मुझे ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी उससे। आप ही को शौक था फोन करने का, हो गई तसल्ली। अब कोई नाम नहीं लेगा मेरे सामने उसका, मैं अपने बच्चे खुद ही पाल लूंगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। पॉजिटिव। हम ये बच्चा नहीं चाहते। नहीं चाहते? हाँ वो मेरा मतलब है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है ना। इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? जिन बेटियों के बाप उन्हें घर से निकल जाने को कह दो, उनके लिए सारी दुनिया ले रहा होगा। मैं तो जहाँ जाए फिर उनके पीछे। एक बात कहूँ आपसे अफसर, आज आप गुस्से में हैं तो अकड़ रहे हैं, अगर माँ को बच्चों का ख्याल नहीं है तो बाप को भी नहीं है। वैसे तो आप जा जाके मनाने के आदी हैं, आज अगर चले जाएं बच्चों के लिए तो